नमस्कार, न्यूज टाइम टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, संसद में एक नया विधेयक लाया गया है जो 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करेगा। इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना और महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। हाल ही में कैबिनेट की ओर से समीक्षा किए गए एक विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करना है। ये रद्दीकरण मुख्य रूप से वक्फ बोर्डों के मनमाने अधिकार को कम करने के उद्देश्य से है, जो वर्तमान में उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता है। इसमें जैसे ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया, वैसे ही सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। सरकार ने वक्फ बोर्डों की नियंत्रण करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की अनुशंसा की गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विभिन्न दलों की मांग के अनुसार विधेयक को संसद के संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं सभी दलों के नेताओं से बात करके इस संयुक्त संसदीय समिति का गठन करूंगा। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि ये संविधान संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों जनता दल और तेलुगु देशम पार्टी ने विधेयक का समर्थन किया। हालांकि तेदेपा ने इसे संसदीय समिति के पास भेजने की पैरवी की। विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक में किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है तथा संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन पहली बार सदन में पेश नहीं किया गया है। आजादी के बाद सबसे पहले 1954 में ये विधेयक लाया गया था। इसके बाद कई संशोधन किए गए। रिजिजू ने कहा कि व्यापक स्तर पर विचार विमर्श के बाद ये संशोधन विधेयक लाया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय बनी सच्चर समिति और एक संयुक्त संसदीय समिति का उल्लेख किया। कहा कि इनकी सिफारिशों के आधार पर यह विधेयक लाया गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद और जमात ए इस्लामी हिंद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ा विरोध किया है। मौलाना असद मदनी ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इससे वक्फ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मदनी ने ये कहा कि जब से यह सरकार आई है, नए नए कानूनों के जरिए मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश कर रही है। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसके एक उदाहरण में सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को ज्यादा शक्ति दी। शक्ति में इस इजाफे के बाद अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गई थी। साल 2023 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। संशोधन ने वक्फ संपत्ति की बिक्री को असंभव बना दिया। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश और बिहार में दो शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथ में है। इस तरीके की खबरों के लिए हम ऐसे ही हाजिर होते रहेंगे और देश में क्या कुछ चल रहा है जो देश की दिशा को तय करता है, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आपको ये खबर कैसी लगी और इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं कमेंट करके। नमस्कार।